सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपके जब मैसेज आते हैं कि उपाय करके आपको लाभ मिला तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज बहुत से लोग लिखते हैं, मैम प्लीज हमारा थैंक यू का मैसेज सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना। तो आप बेफिक्र रहिए, जो लोग मेरे को ऐसा लिख के भेजते हैं मैं उनके मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ। मुझे बस चाहिए कि आप खुश रहें और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं। मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी के काम आ सकी। दूसरा, मैं कभी किसी के नाम नहीं शेयर करती, तो घबराइए नहीं, आपको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। मैं समझती हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो छोटी सी बातें की टेंशन हो जाती है। मेरी भी फैमिली है और लाइफ में क्या मेरे प्रॉब्लम्स नहीं आती? आती हैं। मैं भी उपाय करती हूँ और भगवान कृपा जरूर करते हैं। एक बार फिर थैंक यू, आप मैसेजेस मुझे ऐसे ही भेजते रहिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए आज आपको साल के धन लाभ के सबसे शुभ दिन धनतेरस के उपाय बताती हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम का निवारण यहाँ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोर्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। धनतेरस पे किया उपाय कभी खाली नहीं जाता। ये इतना शुभ दिन है कि मैं क्या ही बोलूं, आप सब समझते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं कहती हूँ, पुरानी बातें गलत नहीं होती। बंधनवार आप कितनी ही डिजाइनर सुंदर से सुंदर बंधनवार घर पे लगाएं, पर आम के पत्तों से ज्यादा शुद्ध और शुभ कुछ नहीं। इसलिए आप अपने मेन गेट पे आम के पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। चाहे डिजाइनर वाली बंधनवार के ऊपर लगाएं, पर जरूर लगाएं। घर और ऑफिस में भी अपने गेट पे आम के पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। ये लगाना बहुत शुभ होता है। धनतेरस पे माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, शाम के वक्त करती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिवाली पे घर की सफाई कितनी जरूरी है। तो धनतेरस पे घर अच्छे से साफ करें और माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का इनवाइट करें। आपको इनवाइट कैसे करना है? आप घर को खूब सजाएं। धनतेरस से दिवाली या भाई दूज तक घर को सजा कर रखें और धनतेरस पे 6 बजे के बाद, या मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट 6 बजे ही, आप अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और फिर एक उरली में पानी भरें। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें आप 2 या 4 कमल के फूल रखें। अगर कमल के फूल नहीं मिलते हैं तो आप गुलाब के फूल, गुलाब की पंखड़ियाँ डालें और अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। वहाँ एक माँ के चरणों की आपको रंगोली बनानी है और माँ के छोटे छोटे चरण अपने घर में अंदर आते हुए लगाएं। कम से कम ये जो चरण होने चाहिए वो 7, 9, 11, 21 की गिनती में होने चाहिए। ये एक तरह का माँ को इनवाइट है कि आप हमारे घर आओ और विराजो। माँ लक्ष्मी साफ सजे हुए घर से बहुत प्रसन्न होती हैं और घर आप ढेरों आशीर्वाद देती हैं। आपके घर की हर तरह की परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएगी। धनतेरस पे आपको सेंधे नमक का पोछा पूरे घर में लगाना है। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नजर आपके घर में है तो वो दूर होगी। धनतेरस की शॉपिंग में मैंने आपको 3 झाड़ू खरीदने को कहा था। अब इन 3 झाड़ू पे आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है और मूली बांधनी है। इसे आप अपनी धनतेरस की पूजा के स्थान पर या फिर मंदिर में रखें। अगले दिन यानी इस बार दिवाली पर आप सुबह मंदिर में जाकर 1 झाड़ू दान दें और 2 झाड़ुओं को आप अपने घर में इस्तेमाल करें। आपकी जो पुरानी झाड़ू है, आप दिवाली वाले दिन अपनी पुरानी झाड़ुओं को किसी गरीब को दान में देंगे, नहीं तो कहीं बाहर पेड़ के नीचे रखकर आएंगे और नई झाड़ू से अपने घर की सफाई दिवाली वाले दिन से शुरू करेंगे। ध्यान रखने की कुछ जरूरी बातें हैं कि झाड़ू को कभी अपने पैर के नीचे नहीं लाना चाहिए और घर की झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। मतलब इस्तेमाल करो और फिर उसे ऐसी जगह रख दो जहां पर उस पर बार बार सबकी नजर ना पड़े, आने जाने वालों की नजर भी उस पर ना पड़े।
धनतेरस पे माँ लक्ष्मी के उपाय तो होते हैं, पर इस दिन धन्वंतरी देव की कृपा भी बहुत होती है, जिससे घर की बीमारी दूर होती है। अगली वीडियो धन्वंतरी देव के उपाय, आसान उपाय की वीडियो जरूर देखें और निरोगी बने। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, vastu and feng shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.